she डी, डी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है एक जमाना था जब कलाकार को अपने श्रोताओं दर्शकों तक पहुंचने में बड़ा लंबा समय लग जाता था क्योंकि साधन बहुत सीमित थे लेकिन टेलीविजन के आ जाने के बाद कलाकार लोगों के घरों तक पहुँच गए हैं और कार्यक्रम भी इतनी तरह के कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर एक को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है तो आज की हमारी जो मेहमान हैं इसी टेलीविजन की उपज हैं खोज हैं आप कह सकते हैं छोटी सी उम्र में अपनी प्रतिभा अपने टैलेंट के बूते पर इन्होंने लोगों को अचरज में डाल दिया था और अब फिल्मों के माध्यम से ये लोगों की चहेती बन गई हैं तो स्वागत कीजिए हमारी आज के मेहमान का यानी सुनीधि चौहान का सुनिधि स्वागत you. है आपका हेलो दीदी कार्यक्रम में थैंक यू और सुनिधि बहुत खूबसूरत लग रही हो ये बताओ कि लोग फिल्मों में हीरोइन बनने का ऑफर नहीं लेकर आते ऑफर uh, तो काफ़ी आती हैं आती, I mean, है। आती भी थी और अभी एक्चुअली uh, क्या है मैं सिंगिंग <coughs> uh, में बहुत कंसंट्रेशन करना चाहती हूँ uh -huh. बहुत uh, uh, मेरा जो लगाव है सिंगिंग की तरफ ज़्यादा है uh -huh. और मैं चाहती हूँ कि फ़िलहाल अगर इतना अच्छा लोगों का इतना आशीर्वाद है और इतना प्यार है uh -huh. और तो मुझे इसी पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए और एक्टिंग मेरे अंदर है थोड़ा मैं करना चाहती भी हूँ बट आई थिंक ये बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी अगर मैं अभी करूँगी तो मैं बाद में करूंगी मे बी आज से दो तीन साल बाद अगर मुझे तब भी ऑफर आ रही हो तो आई माइंड डूइंग इट बिल्कुल हम हम भी हम भी इंतज़ार होेंगे <laughs> अच्छा ये बताइए कि देखिए छोटी उम्र में जब बहुत शहरत मिल जाए बहुत सक्सेस मिल जाए तो बच्चा अपने आप को जरा हटके कुछ अहम ज़रा कुछ स्पेशल समझने लगता है आपके साथ कैसे क्या हुआ मेरे ख्याल से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो स्पेशल नहीं फील करते होंगे लेकिन उनकी जो सराउंडिंग्स होते हैं उनकी जो आसपास के लोग होते हैं वो उसे स्पेशल बना देते हैं और तब आप एक डिफरेंट तरीके से बिहेव करने लगते हैं लेकिन लकीली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ <coughs> मैं आ, मेरा जो दिमाग है काफ़ी ठीक है अभी भी और भगवान करे ऐसा ही रहे लेकिन हाँ चेंजेस तो आते ही रहते हैं पर्सनैलिटी में और लाइफ में जितना आप करते जाते हैं जितना आप एक्सपीरियंस करते हैं तो वो चेंजेस बहुत आए हैं समझदारी बढ़ जाती है या सोच बदल जाती है mm -hmm. लेकिन इंसान अगर चाहे तो वो ही रह सकता है और मेरे ख्याल से उसे चेंज होना भी नहीं चाहिए उसको नहीं भूलना चाहिए कि वो कहाँ से ऊपर आया है mm -hmm. तो मैं भी नहीं भूली हूँ बिल्कुल अच्छा फ़ोन ऑलरेडी आने शुरू हो गए अच्छा फोन है वर्षा का okay. हेलो वर्षा हाँ मैं सुनिधि से बात करना चाहूंगी जोधपुर से बोल रही हूँ वर्षा हाँ जी बात कीजिए सुन रही हैं सुनिधि आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर नाइस सॉन्ग्स इन चमेली थैंक यू वेरी मच थैंक यू वर्षा योर वॉइस वाज वेरी मच वर्सेटाइल आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू आई एम वेरी हैप्पी टू हियर द सॉन्ग थैंक यू सो मच आई लाइक यू टू सिंग द सॉन्ग फॉर मी फिल्म विच सॉन्ग यू वॉन्ट मी टू सिंग बहका मन कहीं ओके okay. okay. <laughs>

भागेरे मन कहीं आगेरे मन करा जाने किधर जानू ना भागेरे मन कहीं आगेरे मन चला जाने किधर जानू ना क्या बात है बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत थैंक यू आ, ये बताइए सुनी कि आप आपने बताया दिल्ली में ही पली बढ़ी जी है ना तो और फिर आपके कारण सारा परिवार मुंबई चला आया है ना आपके करियर को लेकर तो कभी ऐसा लगा वो जिम्मेदारी का एहसास कि मेरे कारण सारे लोग इस तरफ इस शहर में शिफ्ट हो रहे हैं हाँ बिल्कुल क्योंकि जब तक दिल्ली में थी तब तक ऑब्वियसली सिंगिंग को बहुत सीरियसली ले लिया था मैंने और मैं बहुत मेहनत भी कर रही थी लेकिन जब मैंने देखा कि फैमिली का इतना कॉन्ट्रीब्यूशन है फैमिली इतना डिवोटेड है और अपना सारा काम छोड़कर मेरे लिए बॉम्बे आने के लिए तैयार है तो कोई भी बच्चा शायद उसको ये बात समझनी चाहिए कि कितना कोई किसी से प्यार कर सकता है और इतना अपना सब कुछ दे सकता है तो मैंने वो ध्यान में रखे आ, अपनी तरफ से आई होप मैं उनकी उम्मीदों पर खरी उतरी और नहीं। मैंने आ, उसको सीरियसली लिया बात को और मेहनत भी की और फैमिली ने बहुत सपोर्ट, सपोर्ट किया है बहुत सपोर्ट किया है उनके बिना आ, मैं आज कुछ भी नहीं होती मैं जो भी हूँ उनकी वजह से बिल्कुल अगला फोन है सचिन का राजस्थान ढोलपुर से हेलो सचिन हेलो हेलो हाँ जी पूछिए क्या पूछ रहे हैं हेलो हाँ सचिन मैं सचिन धौलपुर से बोल रहा हूँ हाँ बोलिए आपका आपकी पहली फिल्म कौन सी थी मिशन कश्मीर का गाना हाँ मैं मेरी पहली फिल्म ये गाना मुझे आया नहीं उसको थोड़ा सुनाइए अच्छा मेरी पहली फिल्म थी शस्त्र जिसमें मैंने लड़की दीवानी देखो लड़का दीवाना गाया था और लेकिन उसके बाद एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ भमरो फ्रॉम मिशन कश्मीर जो कि उन्होंने बोला नहीं, तो मैं नहीं। सुना देती हूँ सुना दीजिए फिर हम लोगों को दिखा भी देंगे ओके okay. बुमरो बुमरो शाम रंग बुमरो 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 शाम रंग बुमरो आए हो किस बगिया से हो हो तुम क्या बात है <laughs> अगला फोन सुनीति विजय गायकवाड़ का है लातूर से हेलो विजय हेलो हाँ जी हाँ जी मैं विजय गायकवाड़ बोल रहा हूँ लातूर से हाँ जी सुनीति चौहान से बात करना चाहती हूँ सुनिधि जी हाँ जी बोलिए मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ थैंक यू थैंक यू वेरी मच तो आपने आज तक इतने अच्छे हेलो सक... हाँ जी बोलिए बोलिए सुन रहे हैं। आप, आपने आज तक इतने सारे अच्छे अच्छे गाने गाए हैं हाँ जी तो आपको सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है आपका पसंदीदा गीत uh, वैसे तो एक uh, बोलना बहुत मुश्किल होगा लेकिन मेरे पसंदीदा गानों में से एक गाना है सुर फिल्म का mm -hmm. आभी जा ए, 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 ए सुभा जा तो वो मेरा फेवरेट गाना है तो हम्म तो आप गुनगुना भर दीजिए एक पंक्ति <laughs> एक मुखरा शो आ भी जा 애수바비자 라뜨국 껄비다 데리 로바 비자 비자.

संभाल के रखना और मेंटेन करना ये बहुत मुश्किल बात है तो मेरे लिए ये हमेशा रोज़ एक चैलेंज होता है जब भी मैं गाना रिकॉर्ड करती हूँ हर गाना हर सुबह मेरे लिए एक चैलेंज होती है क्योंकि क्या रिकॉर्ड होने वाला है गाना चलेगा कि नहीं वो तो हमें मालूम नहीं होता नहीं। तो हर गाना इतने बारीकी से इतने अच्छे से करना पड़ता है और तो ऐसा नहीं लगता रुक जाऊँ ऐसा लगता है कि बस किसी भी तरह ऐसी भगवान का साथ रहे मेरे साथ और मैं इतनी मुझे स्ट्रेंथ दे कि मैं और भी मेहनत कर सकूं ताकि ऐसा ही रहे और इससे बेहतर हो तो नथिंग लाइक इट मैं बहुत कंटेंट बहुत खुश हूँ क्योंकि भगवान ने जितना मुझे दिया है शायद ही किसी को दिया होगा तो मुझे कोई शिकायत नहीं है बट इससे बेहतर हो तो नहीं, नहीं कौन नहीं चाहेगा आपने जो बात कही बहुत सही है कि वो मिल जाए फिर उसे बनाए रखना मिले वो बहुत मुश्किल है जी मुश्किल होता है अच्छा अगला फोन सीकर से है आपके लिए राजेंद्र सिंह का हेलो राजेंद्र हेलो हाँ चो, सुनीति चौहान जी हाँ जी बोल आपको 26 जनवरी के उपलक्ष्य पे हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको भी हम आपकी जो है कामयाबी का कोई बहुत अच्छा गाना सुनना चाह रहे हैं और मैं भी आपके ही गोत्र से हूँ तो बड़ी खुशी हो रही है आपको देख करके और सुन के थैंक यू थोड़ा सा अपनी पसंद अपनी कामयाबी का हमारी कोई विशेष चॉइस नहीं है अपनी कामयाबी का गाना सुनवाए कोई ठीक है मैं थोड़ा सा सुना देती हूँ और फिर हाँ। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि आप उसे दिखा भी दें हाँ। तो अगर अगर आपके पास हो तो हाँ। ये था जो काफी हिट हुआ था मेरा अ, मेजर ब्रेक था मेरे लिए और फिल्म मस्त से हाँ। और गाने का नाम था रुकी रुकी वो मैं आपके सुन सुना देती हूँ <coughs> रुकी रुकी थी जिंदगी झट से चल पड़ी हुई ख़ुशी सेस थी मज़ा ले ले हर घड़ी बात है सुनिधि बहुत खूब अच्छा अगला फोन अमरावती से है संतोष तिवारी का okay. हेलो हेलो हाँ जी uh, मैडम मुझे जी से, जी से पूछना है, जी? कि उन्होंने इतने गायकों के साथ जो गाने गाए है uh -huh. तो उसमें उनका फेवरेट गायक कौन से uh, वैसे तो सबके साथ ऑलमोस्ट मैं गा चुकी हूँ और सभी कमाल के सिंगर्स हैं आप जानते ही हैं उदित जी शानू जी अभिजीत अभिजीत जी, जी सोनू निगम के के शान लेकिन क्या है कि जो शानुदा हैं और उदित जी हैं वो बहुत आ, सीनियर हैं तो उनके साथ गाने में तो बहुत मज़ा आता है लेकिन हमारी उम्र के ऑलमोस्ट हमारी उम्र के जो सिंगर्स हैं जैसे के के शान सोनू जी तो उनके साथ गाने में एक ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो जाती है अच्छी केमिस्ट्री होती है क्योंकि यंग है तो आ, मस्ती मजाक और गाने में नए नए एक्सप्रेशंस तो वो बहुत आसान रहता है ऑब्वियसली इतने सीरियस सीनियर्स हैं शानुदा और उदित जी और अभिजीत जी उनके साथ आ, इतनी रिस्पेक्ट है हमारी उनके लिए तो आ, बहुत ज़्यादा खुल नहीं पाते हैं लेकिन आ, मैं जब आई थी तो उनके लिए हमेशा बच्ची थी और अभी भी बच्ची हूँ तो वो मुझे हमेशा बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं तो मुझे किसी के साथ भी कोई आ, ऐसा कोई एक फेवरेट मैं नहीं बोल सकती लेकिन आपने काफ़ी ज़्यादातर गाने मेरे सोनू जी के साथ सुने होंगे ज़्यादातर जो मैंने गाए हैं जैसे शान के साथ बहुत सुने होंगे केके के साथ बहुत गाने हैं क्योंकि इट्स अ यंगर लॉट यंग लोग हैं इसलिए अच्छा सुनी थी अगला फोन रायपुर से है दीपक का हेलो दीपक हेलो हाँ जी हेलो हाँ पूछिए सवाल दीपक सुनिधि नमस्कार कि कोई भी व्यक्ति गायक बनने के लिए सबसे पहली शर्त क्या होती है सबसे पहली और आवश्यक शर्त सबसे पहले अगर आप सबसे पहले तो आप अपने अंदर खुद को आप जान के देखिए कि आप सच में उतने अच्छे गायक हैं या नहीं क्योंकि आप सुरीले हैं तो सुर कभी ऊपर ऊपर से ही मिलता है सुपर सुप सुर भगवान के यहाँ से ही मिलता है हमें हम सुर को पॉलिश कर सकते हैं सुर हम सीख नहीं सकते तो अगर आप सुरीले हैं तो उसके बाद आपको उसे पॉलिश करना होता है अच्छे से अच्छे गुरु के पास सीखिए लुकूस uh, टॉकिंग वैसे मैंने नहीं सीखा है बट <laughs> uh, मेरे ख्याल से सीखना बहुत ज़रूरी है मुझे आज भी मौका मिले तो मैं ज़रूर चाहती हूँ कि मैं सीखूँ क्योंकि सीखना हमेशा हेल्प ही करता है लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और आप ग्रो करते हैं जितना ज़्यादा सीखते हैं तो और अंदर जो विल पावर है जो uh, करने की शक्ति है वो है. बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए अगर वो ही नहीं है तो आप लाइफ में किसी भी फील्ड में सिंगिंग ही छोड़िए कुछ नहीं कर पाएंगे तो एक अंदर एक आग होनी चाहिए कि नहीं मुझे करना ही है और अगर मैं अच्छा हूँ तो क्यों नहीं कर सकता तो अगर ये रखेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत हेल्प करता है अपने लिए अपने अंदर ऊपर मतलब लग, जो जो वाले की देन <laughs> तो सबसे पहले है लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बिल्कुल नहीं सीखा है क्योंकि वो झूठ होगा मैंने अगर किसी और से किसी गुरु से नहीं सीखा तो क्या हुआ लेकिन मैंने अपने आप से टीवी देख देख कर और कैसेट सुनकर लता जी के गाने सुनकर बहुत सीखा है तो उसे भी मैं सीखना ही मानूंगी क्योंकि mm. लता जी हर सेल्फ इज़ अ स्कूल बिल्कुल वो एक वो इतनी महान है कि उनके बारे में हम क्या बोलें हम बोलने के भी लायक नहीं है mm. तो मेरे ख्याल से उनके गाने कैसेट में लगा कर बस साथ में गा लेना डेढ़ mm. दो घंटा या कभी आधा घंटा या कभी नहीं भी mm. यही मेरी प्रैक्टिस होती थी और जो मैं आज हूँ वही सीखते सीखते आई हूँ थोड़ा सा प्रमोशन हुआ मैं लता जी से अलका जी पर आ गई और फिर उसके बाद वेस्टर्न में चली गई लाइक मराया कहरी सिलीडियॉन इन सब को सुना हुँ, तो आई स्टार्ट ग्रोइंग सिर्फ हिंदी संगीत से ही नहीं बल्कि बाहर जो वर्ल्ड म्यूजिक है, है वेस्टर्न हाँ, म्यूजिक है उससे भी मेरा ताल्लुक अच्छा हो गया और मैं अब अच्छे से समझती हूँ उसे गा भी सकती हूँ तो इट ऑलवेज हेल्प्स अगर आप अलग अलग तरह का म्यूजिक सुनते हैं तो अभी हम बातचीत जब कर रहे थे आपने बताया कि यानी जिनको आप कहती हैं कि लता जी यानी उनके बारे में हम कुछ खुद कह भी नहीं सकते इतनी महान कलाकार और जब उन्होंने खुद आपकी तारीफ की <laughs> है ना याद है वो वाक्य क्या कहा था उन्होंने मैं कैसे भूल सकती हूँ मेरी आंखों में आप आंसू आ जाते हैं जब भी हुँ? मैं सोचती हूँ उस बारे हुँ? में डी डी वन का एक शो था मेरी आवाज़ सुनो जिसमें मैंने कंपटीशन था उसमें हिस्सा लिया था और लकीली मैं विनर भी थी उस शो की मेगा फाइनल की सबने देखा था मेरी आधी पॉपुलैरिटी तो उसी वजह से हुई है जी। सेवेंटी फाइव परसेंट आई वे और लता जी ने मुझे जब ट्रॉफ़ी दी तो मैं बहुत रो रही थी और उन्होंने मुझे कहा बेटा तुम बिल्कुल रो मत और तुम बहुत अच्छा गाती हो और कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हूँ wow. और ज़रूर अच्छे गुरु से सीखना mm -hmm. तो उनका उनका मेरे ऊपर सर पे मेरे सर पे हाथ रखना ही काफ़ी था शायद yeah, मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी वो कोई भूल ही नहीं सकता इट्स mm लाइक -hmm. like, जैसे सरस्वती माँ ने आपके ऊपर हाथ रख दिया हो और एक नए गायक गायिका का तो सपना होता है है ना उनका आशीर्वाद और वो मुझे बहुत खुशी होती है कि कभी कभी अपने इंटरव्यूज में मेरा नाम भी मेंशन वो करती है I think, आगे, आ, कुछ और एक्सपेक्ट कर नहीं सकती किस बारे में क्या कहा था भी उन्होंने जो मेंशन किया आप बता रही हैं आपका नाम <laughs> उनसे पूछा गया कि आप आज के सिंगर्स में किसको पसंद करती हैं तो उन्होंने स्पेसिफिकली मेरा नाम भी लिया उन्होंने इनफैक्ट आंसर ही उस

हाँ, सुनिधि मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे जैसे क्रेजी आपकी इस दुनिया में कोई नहीं है थैंक यू सो मच सो स्वीट और आ, कल रात से मुझे नींद भी नहीं आई क्योंकि मुझे आज आपसे बात करनी थी थैंक यू सो मच बेहता आपकी उम्र क्या है आ, मैं फिफ्टीन इयर्स की हूँ और मैं भी गाती हूँ अच्छा. और आशा जी और आप, मैं, मैं आप, आपको ही अपना गुरु मानती हूँ सुनिधि हां जी मुझे आपसे एक सवाल पूछना था बोलिए बोलिए कि आप आ, इंडियन गाना इंडियन गाने भी गाते हैं और वेस्टर्न सॉन्ग्स भी गाती हैं हाँ तो आपको क्या डिफरेंस लगता है इन दोनों में अह सुर तो वही है ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि इनफैक्ट वो लोग राग नहीं जानते होंगे लेकिन हर राग पर ही आधारित हर गाना होता है जितना मैं जानती हूं और आ, तो सिर्फ स्टाइल अलग अलग है यही डिफरेंस मुझे लगता है कि हाँ इतना डिफरेंस है कि वहाँ पर जो सिंगिंग है बहुत खुली सिंगिंग है वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमें यहाँ पर थोड़ा रिस्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्टेड होके गाना पड़ता है क्योंकि प्लेबैक सिंगिंग है हम किसी और के लिए गा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखे स्पेशली फॉर द हीरोइंस दीरोइंस वी सिंग तो uh, यही डिफरेंस है वहाँ बहुत बिना किसी सोचे समझे आप कुछ भी नोट कहीं भी लगा सकते हैं आप खुला गा सकते हैं कभी और किसी को वहाँ मतलब भी नहीं कि कैसी वॉइस क्वालिटी होनी चाहिए कैसी नहीं होनी चाहिए वहाँ पे ऐसे भी सिंगर्स हैं पीपल लाइक ब्रायन एडम्स जो जिनकी आवाज़ ही बहुत खराश वाली है बट वो गाते हैं माइकल बोल्टन या फिर ब्रूस स्प्रिंगस्टीन आई थिंक डिफरेंस ज़्यादा नहीं है बस स्टाइलिंग का फर्क है मेरा ये मानना है मैं मेरे ख्याल से अगला फोन है आपके लिए अलीगढ़ से रखें okay. राहत का हेलो राहत हेलो हेलो हाँ जी जी राहत राहत बोल रहा हूँ मेरी घर हाँ बोलिए जी, जी।, जी।, जी सुनी दीदी से बात करवा दीजिए हाँ जी मैं बात कर रही हूँ बोलिए जी खाकी फिल्म का गाना सुना था आपसे ऐसा जादू डाला भे अच्छा अच्छा आपको कैसा लगा हेलो हेलो नहीं वो डिसकनेक्ट हो गया, गया। गाना सुनाइए वो मेरे भाई थे जो आपसे बात कर रहे थे अभी अच्छा गाना सुनाऊं हाँ अच्छा फिल्म खाकी से ठीक है ओके okay, ठीक है ऐसा <coughs> जादू डाला रे ऐसा जादू डाला रे सुरमई है उजाला रे ऐसा जादू डाला रे जो मेरी जुल्फों से खेले रे बाहों में मुझको ले ले रे ऐसा है कोई दिल वाला रे ऐसा है कोई दिल वाला रे, दिल वाला रे। oh, अच्छा ना सुनी थी आप अभी जब बात कर रही थी श्वेता से तो आपने जब कहा कि हीरोइंस के लिए गाना होता तो आप जब रिकॉर्ड करती हैं गाना तो जानना चाहती किस पर पिक्चराइज होने वाला है गाना नहीं इतना तो जरूरी नहीं होता क्योंकि मेरे ख्याल से ये एक अजीब सी केमिस्ट्री है अगर hmm. आप अगर सिंगर बहुत अच्छे एक्सप्रेशन के साथ गाए परफेक्ट hmm. uh, तो हो नहीं सकता लेकिन hmm. जितना रिक्वायरमेंट है उससे yeah. ज़्यादा ही अगर दे दे और उससे भी कमाल ये बात होती है कि अगर हीरोइन उसको समझ के एक्सप्रेशन को अच्छे से परफॉर्म कर दे hmm. तो ऑटोमेटिकली जेल हो जाएगा क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो किसी की भी आवाज़ किसी के ऊपर सूट नहीं हो सकती इट्स जस्ट दी एक्सप्रेशन जो एक्सप्रेशन अगर वो करेक्ट अगर मैच किया है तो वो साउंड एकदम सेम करती है, दिखती ऐसी है कि जैसे तो इट्स right तो, इतना जरूरी नहीं होता इनफैक्ट जब मैंने मस्त का गाना गाया था तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं उर्मिला के लिए गा रही हूँ तो कभी कभी लोग देते हैं ज्यादातर नहीं बताते जब स्टेज होते हैं लाइव ऑडियंस के सामने वो कैसी कैसा होता है अनुभव तब कैसा लगता है वो वो तो कमाल होता है वो तो ऐसा लगता है जैसे मैं एकदम आसमान में हूँ क्योंकि आ, मेरे ज़्यादातर गाने बहुत पॉपुलर हुए हैं और जब पब्लिक आती है तो उन्हें सिर्फ एक कोई सिंगर जो खड़ा हुआ है और गा रहा है वैसा नहीं दिखता वो ये भी देखते हैं कि कोई एक एक परफॉर्मर है जो डांस भी कर रही है साथ में इंटरक्ट भी कर रही है पब्लिक के साथ बात कर रही है हुँ, हुँ, तो ये सारी चीजें जब उन्हें मिलती हैं तो उनको बहुत मजा आता है और जब उनको मजा आता है तो मैं तो स्टेज पे पागल ही हो जाती हूँ आई गो मैड मैं इधर से उधर उधर से इधर पब्लिक में जाना ब्ला 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 कुछ हुँ, हुँ, भी चलता रहता है एंड इट्स लाइक मैडनेस बहुत इतना मजा आता है स्टेज शोज में कि जिसकी कोई हद ही नहीं सुनिधि हम ये बात और करेंगे फिलहाल ये फोन ले लें बिहार से फोन है संजय संजय सिंह राणा का हेलो 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 हाँ जी हेलो मैं राणा संजय कुमार सिंह वैशाली बिहार से बोल रहा हूँ जी जी हाँ मुझे ये पूछना था सुनिधि जी से हेलो सुनिधि जी हाँ जी बोलिए बोलिए नमस्कार नमस्कार ऐसा है कि आपका एक सीरियल आया था मेरी आवाज सुनो जिसमें अनु कपूर एंकर थे जी जी उससे वो काफी आपने हिट मतलब हुआ था हाँ जी बिल्कुल तो उसमें कौन सा गाना फाइनल में जो आपने गाना गाया था जरा गाना गाकर जरा मुझे सुना दीजिए अच्छा बिल्कुल याद है क्योंकि अभी लता जी का बर्थडे भी जब हुआ था हाँ हाँ। शो हुआ था मैंने उनको वही गाना सुनाया था अच्छा। क्योंकि तब भी वो वही थी हुँ। और हुँ। अभी भी वही तो ये मेरी आवाज़ सुनो में हाँ बिल्कुल मैंने गाया था फिल्म रेशमा और शेरा से आ, गाने था, गाना था तू चंदा में चांदनी अच्छा <coughs> सुना देती हूँ <हु। laughs> वैसे काफी टाइम हो गया उसे गाए हुए तो अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो माफ कीजिएगा खूबसूरत हम फिर वापस उस तरफ चले हम स्टेज शोज की बात कर रहे थे है हाँ। जब वहाँ पर परफॉर्म कर रहे होते हैं आ, जब आप यानी आजकल के सिंगर्स जो हैं मैंने देखा है बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं डोंट कॉल अस सिंगर्स है ना हमको सिर्फ गायक मतलब इट्स नॉट दैट कि हम सिर्फ खड़े होकर और गा करने तो के कर बिल्कुल सही बात है right. तो ये बताइए सुनिधि कि बाकायदा पहले से तय होता है कि क्या मूवमेंट्स होंगे या और इट्स इट स्पॉन्टेनियस वो सहज होता है जो me, हो है। एकदम सहज ही होता है उसी वक्त होता है जो 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 स्टेज पे जब मूड में आए जो मन करे वो मैं करती हूँ हाँ कभी कभी कुछ गाने ऐसे होते हैं जैसे अब ऐसा जादू डाला रे गाना है तो ऑब्वियसली अगर मैं सीधा खड़े होकर गाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा पीपल नीड टू सी डांस वो चाहते हैं कि मुझे देखें कि मैं कैसा परफॉर्म करती हूँ तो उसके लिए हम कभी कभी शो के पहले तीन चार दिन की रिहर्सल भी रख लेते हैं डिपेंड करता है क्या शो है कोई शो जिसमें रिक्वायरमेंट हो तो एक प्रॉपर एक्ट हम बनाते हैं अच्छा। तो उस पर कोरियोग्राफी होती है तो उसे मैं डांस प्रैक्टिस भी करती हूँ तो एकदम एग्जैक्टली exactly जैसे डांसर्स डांस कर रहे हैं वैसे ही करती हूँ तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है कि एक सिंगर डांस भी कर रहा है ड्रेसअप भी ठीक ठाक किया है तो इट्स लाइक अ पैकेज आप अगर पैकेज हैं गाते अच्छा हैं दिखते अच्छा हैं पर्सनैलिटी वाइज और अगर आप डांस भी कर लेते हैं इंटरेक्ट कर लेते हैं लोगों से तो वो उनके लिए और क्या चाहिए एक शो में आप ऑब्वियसली गाना सुनना हो तो कैसेट uh, लगा के आप सुन ही सकते हैं जब mm -hmm. चाहे mm -hmm. और वही अच्छा गाना होता है स्टेज पे तो हम थोड़ी गलतियाँ भी करते हैं right. लेकिन वो शो देखने आते हैं और वहाँ पे दे वांट टू हैव फन वो मज़ा लेना चाहते हैं तो वही mm -hmm. हमारा काम है नहीं mm -hmm. mm -hmm. तो यानी आज का जो सिंगर है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है ज्यादा है हाँ, आज को खड़ा होकर सिंपल गाए तो अनलेस इट्स जो कोई बहुत ही महान सिंगर हो तो उनको तो लोग वो अगर

Uh, सुरजीत uh, आने वाले काफ़ी गाने हैं uh, जैसे कि फिल्म उफ क्या जादू मोहब्बत के मैंने कुछ तीन चार गाने गाए हैं बहुत अच्छे गाने हैं उसका जो टाइटल सॉन्ग है बहुत ही कमाल का है और अभी आने वाली फिल्म है जैसे uh, खा तो आपने सुना ही uh, कृष्णा कॉटेज है और uh, किस किस के नाम लूँ इनफैक्ट बहुत सारी फिल्में हैं फिल्म है, लाइक पल दो पल uh, हमराही और बापरे आन मैं याद करती तो मुझे याद नहीं आता है सॉरी बट अबाउट सिक्सटी एट फिल्म क्या बात है yeah. चश्मे बदूर <laughs> बहुत खूब आई मीन मुझे सिक्सटी एट इसलिए याद है क्योंकि मैं अपनी बुक में हर बार लिखती हूँ uh -huh. मैं जब गाने रिकॉर्ड करने जाती हूँ तो पूरा रिकॉर्ड रखती हूँ कि कौन सी डेट में हुआ म्यूजिक डायरेक्टर लिरिक्स राइटर फिल्म और ये तो मैंने वो गिनी है तो इसलिए मुझे मालूम है कि 68 फिल्म्स और उसमें बहुत सारे गाने आई मीन सिक्सटी एट फिल्म हैं बाकी उसमें किसी में दो गाने हैं किसी में चार किसी में एक गाना है तो काफ़ी गाने हैं तो सुनीधि इतनी फिल्में इतने गाने ये बताइए कि जब आप लोग जाते हैं रिकॉर्डिंग के लिए तो पहले रिहर्सल वगैरह प्रॉपर होती हैं कि किस तरह से प्रोसीजर क्या है नहीं आज कल बहुत सब बहुत एडवांस हो गया है बहुत फास्ट हो गई है लाइफ किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है नहीं, तो बस हम जाते हैं स्टूडियोज में और उसी वक्त गाना सुनते हैं पंद्रह बीस मिनट में तैयार किया और फिर उसके बाद अगले 20 मिनट में वही करना पड़ता है आई मीन इट्स लाइक दैट नाउ अडेज पहले जैसा नहीं है कि प्रॉपर रिहर्सल होती थी और फिर गाना रिकॉर्ड होता था और सारा कुछ और लाइव भी नहीं है ना पहले लाइव रिकॉर्डिंग होती थी अब तो क्या है बहुत सारे मशीनस आ गए हैं और टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है तो इनफैक्ट पहले एक पार्ट बाय पार्ट हम लोग गाना कर सकते हैं तो कुछ सिंगर्स ऐसे जो यही तरीके से गाने करते हैं हम भी करते हैं बट मोस्टली uh, अपनी कोशिश ये रहती है कि एक गो में जो गाना हाँ रिकॉर्ड होता है उससे बेहतर कोई बात लगे, ही नहीं बिल्कुल. वो मजा अलग तो कोशिश ये रहती है कि uh, कुछ काफी हद तक गाना हम लोग एक ही गो में गा दें राइट एक्सप्रेशन के साथ जी. नहीं तो कभी कभी फंस जाते तो फिर पार्ट बाय पार्ट भी करना पड़ता है उस टेक्नोलॉजी का हम फायदा उठाते हैं तो तो इट्स लाइक दैट पंद्रह बीस मिनट में गाना तैयार किया और फिर उसके बाद अगले आई वॉन्ट टेक आई डोंट टेक मोर देन वन आवर टू सिंग अ सॉन्ग फोर्टी मिनट्स वन आवर अब अगला फोन हरियाणा से है सरे. अशोक का हेलो हेलो सुनिधि जी हाँ जी नमस्कार मैम अशोक बोल रहा हूँ कैथल हरियाणा से हाँ नमस्कार बोलिए मैडम आप कहेंगे बार बार यही, बार यही बात रिपीट कर रहे हैं प्लीज एक बार अपनी पसंद का कोई गाना सुना दीजिए <laughs> <laughs> मैंने अभी तो अपनी पसंद का गाना सुनाया आपको मैडम आप कई सुना चुके हैं लेकिन प्लीज मैम पहली बार बात कर रहा हूँ <laughs> 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 तो मैं अच्छा तो दूसरी पसंद मैं भी और रिमोट लेके गया आवाज तेज करने के लिए <laughs> 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 मैं अपनी दूसरी पसंद का गाना सुना देती हूँ mm -hmm. है ना आ, ये है फिल्म जंगल से मुझे बहुत पसंद है गाना सोनू जी के साथ डिवेट था दो प्यार करने वाले जंगल में खो गए बागे बने पागल बने दीवाने हो गए कहो अब क्या करें करें अब क्या करें करें अब क्या करें करे करे? अजी अब क्या करें दो प्यार करने वाले जंगल में wow. खो गए बहुत सुंदर सुनी थी बहुत सुंदर थैंक यू ये बताइए कि जब लोग टेलीफोन पर ये कह रहे हैं एक्साइटेड हैं और आपके क्रेजीएस्ट फैन हैं बहुत बड़े फैन छोटा-मोटा <laughs> तो कोई फैन है ही नहीं कैसा फील कर रही हैं uh, मैं बस ये कह सकती हूँ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इतना प्यार इतना इतनी ब्लेसिंग्स आप लोगों ने मुझे दी है उसी वजह से मैं हूँ यहाँ पर नहीं तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है लाइफ में अच्छी दुआओं का साथ होना भी बहुत ज़रूरी है और मेरे साथ बहुत लोग हैं जाने अनजाने में जो मेरे करीब हैं या मुझसे बहुत दूर है जिनको मैं जानती हूँ नहीं जानती हूँ बहुत सारे लोग हैं जो मेरा साथ देते हैं चौबीसों घंटे तो मैं बस आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और यही बोलना चाहूँगी ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखेगा और मैं भी आपको प्रॉमिस करती हूँ कि कभी आपकी Uh, जो एक्सपेक्टेशंस हैं उम्मीदें हैं उन उनसे कभी नीचे नहीं आऊँगी अपना बेस्ट देती रहूँगी ताकि आप मुझे और भी ब्लेसिंग्स दें प्यार करें स्ने जो कह रही है उस पर सचमुच विश्वास करती हूँ कि लोग तुम्हारे साथ हैं बिल्कुल बिल्कुल हु? मैं मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते है, हैं छोटे छोटे बच्चे और मैं अंडर प्रवलस्ड चिल्ड्रन के लिए भी बहुत कुछ करती हूँ तो दुआएं मैंने जैसे आपको बोला बहुत ज़रूरी हैं और मैं चाहती हूँ सब लोग मेरे साथ रहे तभी कुछ भी पॉसिबल है लाइफ में नहीं तो नहीं मैं बहुत बिलीव करती हूं। या। अगला मुंबई से ही है संदली बोल रही हूँ मुंबई से संदली हाँ, 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 हाँ जी आपने आपने नेपाली <laughs> में बहुत सारे गाने गाए आपसे एक नेपाली गाना सुनना था नेपाली गाना हाँ जी ये गाना बहुत पॉपुलर है आप प्लीज गाएंगे मेरे लिए इधर उधर कीजिए अरे ये आपको कैसे मालूम आप गाइए ना प्लीज इधर उधर कीजिए आपको कैसे मालूम मुझे बहुत अच्छा गाती है अरे <laughs> मैं तो मेरे घर में एक सर्वेंट है।, है वो ये गाना गाता है तो मैं उसको सुन सुन के मैंने भी तैयार कर लिया था ये, और ये ये, ये, ये कहाँ से पता चला पता नहीं कहाँ से मालूम पड़ा एनी ठीक है मैं आपने सुना मुझे वर्ड उसके करेक्ट मालूम नहीं है बट ठीक है उसी स्टाइल में थोड़ा mm -hmm, mm -hmm. जैसा मेरा सर्वेंट गाता है okay. mm -hmm. इधर उधर कीजिए इधर उधर कीजिए बीजे मादम लो पीस दीजिए बोयर गरिमा हे दीदी बोयर गरिमा क्या अच्छी लग रही है लाल साड़ी में वाह 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 क्या <laughs> <laughs> तो बात है ये तो छुपे रुसम निकले जो भी थे <laughs> हैं कुछ खोज खाज के खोज mm -hmm. mm -hmm. uh, रहे थे yeah. जब रिकॉर्डिंग वगैरह होती है ये बताइए तो फिर अगर 10-15 मिनट में ये गाना तैयार होना है, है? Yeah. उतने, तो म्यूजिक डायरेक्टर किस तरह है? आपको अपनी धुन वो कहाँ तक किस तरह है समझाते और उसमें सिंगर का yeah. अपना क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इनफैक्ट um, um, ये टीम वर्क है मैं एक को क्रेडिट नहीं दे पाऊंगी क्योंकि जहाँ से आ, लिरिक्स शुरू होते हैं फिर उसके बाद गाना जो अरेंज करता है, कुछ तो भी कभी? जैसे म्यूजिक डायरेक्शन तो क्या आपने एक कंपोजर जो होते हैं तो उसमें आपने धुन बना ली लेकिन उसको किस तरह का म्यूजिक देना है या फिर म्यूजिक भी म्यूजिक डायरेक्टर ही डिसाइड करते हैं लेकिन साउंड क्या होना चाहिए अलग अलग तरह के जैसे आज इतना टाइम चेंज हो रहा है तो लोगों को नया साउंड चाहिए mm. जो रहमान साहब बहुत करते mm. हैं और आ, जो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं नए म्यूज़िक डायरेक्टर्स वो भी बहुत करते हैं और दे आर सक्सेसफुल बहुत कम म्यूज़िक डायरेक्टर ऐसे हैं जो आज भी दे आर यू नो स्टिल देर और yeah. इतना कमाल का, का काम कर रहे हैं पीपल लाइक like, mm. मैं प्रिसाइसली बोलना चाहूँगी जैसे अनु मलिक जी हैं वो तो कमाल के हैं मतलब मैं क्या बताऊँ उनके साथ तो इतना मज़ा आता है काम करने में hmm. और वो हर बार आप नोटिस करेंगे कि वो वर्सेटाइल हैं वो बंधे हुए नहीं है एक चीज़ में उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं hmm. हमारी इंडस्ट्री को और इतनी ओरिजिनल कंपोजिशंस दी हैं जो कि बहुत ही रेयरली सुनाई देती हैं आजकल uh -huh. तो ये उनमें कमाल की बात है और आई रियली फील कंफर्टेबल वर्किंग विद हिम वी हैव अ वेरी गुड ट्यूनिंग बहुत अच्छी केमिस्ट्री है अपनी लोग बोलते हैं वन वी वर्क टुगेदर वी आर मैजिक तो इट फील्स गुड और उन मेरे ज़्यादातर जो पॉपुलर गाने हैं वो अनु मलिक जी के ही दिए हुए अच्छा। हैं तो थैंक यू अनु जी फॉर बीइंग देयर एंड तो इट्स अबाउट दैट अरेंज वो करता है और इट्स अ टीम वर्क साथ में uh, ये सब पूरा काम होता है तो नया साउंड मिल जाए अच्छा कंपोजीशन uh, कॉंप, मिल जाए <laughs> उसे सिंगर सबसे बेस्ट तरीके से गा भी दे <laughs> और लिरिक्स अच्छे हों सब एक साथ ही होता है <laughs> uh, फिलहाल पहले ये फोन ले, ले लेते हैं गोवा से है हयात खान का हेलो हेलो हाँ जी पूछिए सवाल हेलो हेलो हाँ जी मैं गोवा से बोल रहा हूँ हयात खान हाँ बोलिए हयात हाँ अभी तक तो सब हेलो हाँ बोलिए हयात हाँ।, 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 हाँ आप अभी तक तो अपनी पसंद की गाने सुनाए हाँ जी आपने अभी भी कहा कि आपकी लता मंगेशकर गुरु हैं जी बिल्कुल तो मैं चाहता हूँ कि आप लता मंगेशकर का एक उनकी पसंद का गाना जो आपको ज्यादा पसंद है वो सुनाए लता जी का गाना मैंने लता जी का ही गाना सुनाया था अभी थोड़ी देर पहले तू चंदा तो में चांदनी बट ठीक है मैं एक गाना लता जी का सुनाती हूँ जो कि मैं हमेशा हर स्टेज शो में गाती हूँ <coughs> बहुत पॉपुलर गाना है सदा बाहर गाना है सबने सुना हुआ है बाहों में चले आओ बाहों में चले आओ सनम क्या पर्दा हो हमसे सनम क्या पर्दा ये आज का नहीं मिलन ये संग है उमर भर का बाहों में चले आबसूरत बहुत, बहुत मुश्किल गाना है ये बहुत मुश्किल गाना है हम यहाँ तक पहुँच गए हमने ये नहीं बताया आपने कि या मैंने ये नहीं पूछा कि पहली फिल्म मिली कैसे थी हाँ <coughs> पहली फिल्म तो मेरी शस्त्र थी <coughs> मैं एक आ, फिल्म फेयर अवार्ड्स फोर्टी फिल्म फेयर अवार्ड्स में परफॉर्म कर रही थी <coughs> और वहाँ पर मुझे आदेश श्रीवास्तव जी ने सुना और <coughs> उनको मेरा गाना पसंद आया उन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया <coughs> मैं बिल्कुल बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि वो थे जो मुझे एक्चुअली इंडस्ट्री में लेके आए लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद मुझे ज्यादा गाने नहीं मिले इसलिए क्योंकि आ, बहुत बच्चों जैसी आवाज थी मच्योर थी बट ना इधर ना उधर mm. मतलब बीच की आवाज थी और mm. एकदम मच्योर हीरोइंस पर भी सूट नहीं होती थी mm. लेकिन उसके बाद मेरा जो मेजर ब्रेक मुझे मिला वो संदीप चौटा जी से मिला mm. आ, फिल्म मस्त के लिए राम गोपाल वर्मा जी ने कंसिडर किया बट इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सोनू निगम जी क्योंकि उन्होंने मुझे वो नहीं होते तो मैं संदीप जी से नहीं मिलती अच्छा। उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया संदीप जी को उनको वो नए सिंगर की तलाश में थे वो स, उस फिल्म के लिए mm -hmm. और उन्होंने बोला संदीप देर इज़ अ न्यू गर्ल और तुम चाहो तो उसे सुन लो एक बार शी इज़ वेरी गुड बहुत अच्छा गाती है संदीप जी जी के पास उतना वक्त नहीं था लेकिन सोनू जी के रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने मुझे वो समय दिया और मैं गई उन्होंने मेरा गाना सुना और मिलने के ठीक पंद्रह दिन बाद mm -hmm. उन्होंने मुझे फिल्म मस्त के लिए बुलाया मैंने गाया और इसमें बहुत बड़ा हाथ रामू जी का भी है राम गोपाल वर्मा जी का अगर वो मुझ पर बिलीव नहीं करते म, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं रखते mm -hmm. कि नहीं बच्ची है तो क्या हुआ पंद्रह साल की है तो क्या हुआ वो मेरे हीरोइन पर फिट बैठेगी तो ये उनकी बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया एज अ चाइल्ड और मैं मैंने गाया उन्होंने पसंद किया और इतना अच्छा शूट भी किया तो mm -hmm. सब इन तीनों तीन लोगों की वजह से है दे आर माई यू नो आई ऑलवेज रिस्पेक्ट देम एंड वोट फोर गेट वॉट देव डन फॉर मी तो उस पंद्रह साल की बच्ची के वो पंद्रह दिन इंतजार के कैसे करते वो फिर मैं बात करेंगे शाम पहले ये फोन दे ओके ठीक है हेतल का फोन है अहमदाबाद हाँ। से हाँ जी हेतल हेलो हेतल हाँ? हाँ जी पूछिए सवाल मुझे मुझे आपसे बात कर वो महबूब मेरे वाला गायन गाना सुनना है और उन आपसे सुनना है और आप वहाँ पीढ़ी में भी देखना है टीवी पे देख hmm. लीजिए okay. तो देख लीजिए तो हाँ. बेटर होगा <laughs> <laughs> हो हाँ, मतलब हो गा अच्छे से परफॉर्म किया इट्स वेरी इंपॉर्टेंट तभी गाना अच्छा लगता भी है तो वो छोटी सी सुनिधि की बात हम कर रहे थे जब वो मिलकर आई है ना और पंद्रह दिन इंतजार किया कैसा था वो इंतजार मैं ही नहीं पूरे घर वाले मेरे इंतज़ार में थे और रोज़ शाम को हम लोग फ़ोन के पास बैठ जाते थे mm -hmm. कि अभी मद्रास से फ़ोन आएगा और mm -hmm. आएगा कि नहीं आएगा तो पंद्रह दिन बाद जब घंटी बजी तो मैं आपको क्या बताऊँ क्या सीन था घर में खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था mm -hmm. पागल हो गए थे बाप रे के मस्त के लिए आएंगे mm -hmm. वो भी हीरोइन के लिए mm -hmm. रो पड़ी थी मैं जब फ़ोन पे बात हो रही थी मैं आई डेंट नो हाउ टू थैंक संदीप जी ही सच नाइस पर्सन ईज़ सो गुड बहुत बहुत अच्छे से उन्होंने इतने प्यार से मुझे वो गाने गवाए नहीं तो एक नए सिंगर को कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो अच्छे से ट्रीट ना करें क्योंकि हम नए सिंगर हैं लेकिन उस टाइम पर जब एंट्री होना इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल था जब इतने महान सिंगर्स गा रहे थे और किसी और की ज़रूरत ही नहीं थी और किसी और को एक्सेप्ट भी नहीं करना था उस वक्त में उन्होंने इतना प्यार से मुझे इतना रिलैक्स करके कम्फर्टेबल महसूस करा कि मुझे गाना गंवाया आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग कोई और शादी कर पाए mm -hmm. जैसे पहले सुना आप वो कल्याण जी आनंद जी का जो लिटिल वंडर्स ग्रुप है वहां भी आप किया करती थी। बिल्कुल, वो वो? कौन सा दौर था वो मैं जब बॉम्बे आई मैं नाइन्टी फोर में आई थी और कल्याण जी भाई की वजह से मैंने अपना पहला वर्ल्ड टूर किया लाइफ में जो कि mm -hmm. अमिताभ बच्चन जी श्रीदेवी अनिल कपूर नेम एनी स्टार सबके साथ था मनीषा जी और मैं सबसे छोटी थी उस ट्रुप में मैं बारह साल की थी और मैंने ग्यारह साल की थी इनफैक्ट में आई एम तो साल और मैं सरस्वती चंद्र का वो गाना गाती थी छोड़ दे सारी चोड़े दुनिया सारी नहीं। नहीं किसी के लिए। वो गाती थी और मोरनी बागा में फिल्म लम्बे से नहीं। 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 और मुझे याद है बहुत छोटी थी तो लोग बिलीव नहीं कर पाते थे कि गा रही और मैं दो आवाजों में गाती थी वो एक तो ढोला वो और मोरिनी uh -huh, uh -huh. तो आई यूज टू गेट स्टैंडिंग ओवेशन दैट वाज अ ग्रेट थिंग मुझे ये भी याद है जब नसाओ कॉलेजियम न्यूयॉर्क में मैं गा रही थी hmm. मेरी एंट्री के बाद अमित जी की एंट्री थी और अमित जी स्टेज पे आए hmm. मैं चली गई थी स्टेज से उन्होंने बोला हम जरा उस बच्ची को बुलाना चाहेंगे uh -huh. और वो मैं मैं स्टेज पे आई बहुत बड़ा रैंप था स्टेज तक पहुंचने के लिए क्योंकि बीच में गोल स्टेज था और ऑडियंस हमें सराउंड कर रही थी अभी सॉरी बीच में एक रैम्प था जिसको हम क्रॉस करके जाते थे और वहाँ पे जाके उन्होंने मुझे मेरा हाथ पकड़ा इतना बड़ा हाथ उनका छोटा mm -hmm. <laughs> सा हाथ उन्होंने पकड़ा mm -hmm. और बोला एक बात तो माननी पड़ेगी कि आज इस लड़की ने हम सबके छुट्टी कर दी एंड दैट वाज अ कॉम्प्लीमेंट ओह माय गॉड मैं कभी भूल नहीं सकती कुछ mm -hmm. लोगों ने कुछ ऐसी बातें कही हैं लाइफ में mm -hmm. जो मेरे साथ ही जाएंगी बस और बहुत वो आज भी इतने प्यार से मिलते हैं इतना एनकरेज करते हैं ही इज सच अ ग्रेट पर्सन दैट्स व्हाई ही इज अमिताभ बच्चन टुडे एंड और वो मुझे बिल्कुल याद है तो कल्याण जी भाई की वजह से ही मैंने वो वर्ल्ड टूर देखा और ये फोन ले लें सॉरी आपको टोक तो रही हूं बनारस से फोन है ये हेलो हेलो हां जी हेलो हां जी बोलिए हां मैं रवि कम निसा बनारस से बोल रहा था सुन लीजिए हां जी बोलिए बोलिए हाँ रवि जी आई एम फाइन थैंक यू आप बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो हाँ जी बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद मिले और ये चाहता था कि आप जो है फिल्मों में एक्टिंग जरूर करें हाँ जी अगर बाबा जी का आशीर्वाद होगा मैं जरूर हुँ, करूंगी एक्टिंग डेफिनेटली आई विल और नहीं हम लोग ये चाहते हैं कि आप एक फिल्म में कम से कम जरूर आए यू आर वेरी प्रीटी और बहुत ही खूबसूरत हैं आप थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू कितना कितना प्यारा लगता है लोग कहाँ कहाँ कोने से आपको आशीर्वाद बरसा रहे हैं बहुत बड़ी बात है बहुत किस्मत किस्मत बहुत किस्मत की इसके लिए। है लिए है ना आगे क्या योजना है छोटे में अगर बता सके क्या कुछ करना चाह रही हैं बहुत कुछ करना है देर इज नो एंड टू इट कोई ऐसा नहीं कि कभी भी ये बात खत्म ही होगी लेकिन बस अच्छा काम करती रहूँ डे बाई डे मैं ग्रो ही करती रहूँ अच्छा बेहतर 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 और फिर अल्टीमेटली जो हर किसी का गोल होता है कि वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में जानी जाऊँ तो उसके लिए कुछ करना चाहूँगी इंटरनेशनल लेवल पे उम्मीद करती हूँ हो जाए क्योंकि ज़रूरी नहीं जो आप चाहें वो हो भी लेकिन मेरी कोशिश पूरी रहेगी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ लाइफ में और अगर मेहनत अच्छी है और टैलेंट है तो क्यों नहीं होगा जरूर होगा तो आई होप आप आप लोगों का साथ रहा तो जरूर होगा वैसे सुनिधि तुम्हारे नाम का ही मतलब है निधि का मतलब होता है खजाना है ना? तो जिसमें इतने गुणों का खजाना हो है ना और ये सिर्फ आवाज की खूबसूरती नहीं दिल की भी खूबसूरती है सिर्फ चेहरा ही नहीं दिल भी अच्छा हो तो खजाना यूं ही बना रहे लोगों का आशीर्वाद यूं ही बरसता रहे और सचमुच तुम्हारा जो सपना है वो साकार हो हम सब की शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं Thank, Thank you, you so much. Thank you.